क्रिकेट के सबसे बड़े महायुद्ध के यानी कि T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। मंगलवार को BCCI सचिव जय शाह से मीटिंग के बाद चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा। 2 जून से USA और वेस्टइंडीज में होने वाले मेगा इवेंट के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनके टीम में चुने जाने की उम्मीद पहले से थी। हालांकि इसमें रिंकू सिंह का नाम नहीं होने से सभी हैरान हैं। दरअसल IPL 2023 में अपने बल्ले से धमाका करने वाले रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने का मौका मिला। उन्होंने भारत के लिए बहुत कम समय में कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में जगह नहीं मिली। लिहाजा सोशल मीडिया पर इसको लेकर फैंस बवाल मचा रहे हैं और BCCI पर निशाना भी साध रहे हैं। हालांकि रिंकू सिंह के लिए अभी भी पूरी तरह से टीम इंडिया का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ICC का एक नियम ऐसा है जिसके जरिए अभी भी रिंकू को T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल सकती है। रिंकू सिंह के लिए अभी भी खुला है दरवाजा। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 1 मई तक सभी टीमों को अपना अपना स्क्वाड जारी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद टीम में कुछ बदलाव नहीं किए जा सकते। ICC के नियम के मुताबिक 25 मई तक अगर कोई टीम चाहे तो फिर बदल कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें ICC से परमिशन लेनी होगी। इसी नियम के तहत रिंकू सिंह के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इस कंडीशन में रिंकू को मिल सकता है मौका। खेल नियमों के मुताबिक तय भारतीय टीम में से 25 मई से पहले कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो इन चारों में से किसी को जगह मिल सकती है। हालांकि भारतीय फैंस ये नहीं चाहेंगे कि मेगा इवेंट से पहले कोई खिलाड़ी चोटिल हो, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज इंजर्ड होता है तो रिंकू सिंह की एंट्री हो सकती है। T20 में रिंकू सिंह का कैसा रहा सफर? रिंकू सिंह ने 2023 में आयरलैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अब तक भारत के लिए 15 मैच खेले और 176.24 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए। उन्होंने अपना आखिरी T20 मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था और इस मुकाबले में 39 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली। तो इस खबर में आज इतना है, लेकिन और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।